महाराष्ट्र के विधानसभा में नियम 57 के आधार पर हमने माननीय विधानसभा अध्यक्ष को नोटिस दिया था। आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला इनने जब महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की सरकार थी, वो सरकार के समय में मुंबई पुणे पुलिस कमिश्नर इस नाते से राज्य सरकार के आदेश से उन्हें राजकीय लोगों के पत्रकारों के रश्मि शुक्ला आईपीएस अधिकारियों के आईएएस अधिकारी के पत्रकारों के फोन टेपिंग किए गए थे। और आपको एक बात बताता हूं कि रश्मि शुक्ला ने खुद एफिडेविट दिया था कि ये मेरी गलती हुई है, क्योंकि जब देवेंद्र जब महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हुआ और उद्धव ठाकरे जी की सरकार आई, तब इस प्रकरण को हमने विधानसभा में उठाया था और 3 सदस्यीय समिति उसमें बनाई गई थी और 3 सदस्यीय समिति के माध्यम से आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला उसमें दोषी मानी गई थी और उसको पुणे में उनके ऊपर पुलिस स्टेशन में गुनाह दाखिल हुआ था। लेकिन जैसे ही सत्ता परिवर्तन महाराष्ट्र में हुआ और राज्य के उस समय के मुख्यमंत्री जिनके तरफ होम मिनिस्टर भी थी देवेंद्र फडणवीस, आज राज्य के गृह मंत्री है, और जैसे ही ये गृह मंत्री बने तो आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला को क्लीन चिट दिया और उनके ऊपर के जो गुने दाखिल थे उसको क्रैश करने का काम किया। और ये क्लोजर रिपोर्ट लेकर जब ये कोर्ट में पहुंचे तो माननीय कोर्ट ने उनको कहा कि विदाउट इंक्वायरी आपने ये क्लोजर रिपोर्ट कैसे बनाया, और ये सरकार के ऊपर, महाराष्ट्र की ईडी की सरकार के ऊपर